कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि सेट ए अपन देख चुके हैं और ये सेट बी देखेंगे, फिर इसके बाद में सेट सी डी ई और एफ देखने वाले हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, मैंने जिस तरह से हर पेपर में आपकी मदद की है इसमें साइंस में भी करूंगा। जो बताऊंगा 6 पेपर, उनमें से आपका 100% वार्षिक पेपर आने वाला है, लेकिन एक पेपर से कुछ होना जाना नहीं है। ए कर लीजिए, बी कर लीजिए, सी डी ई एफ तक कर लीजिएगा और टॉपर बन जाइए। यदि आपको वास्तव में 90% बनानी है तो 4 कर लो और 90 से ऊपर जानी 95% तो 6 ही सेट करो ई एफ तक। चलिए तो देर ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। विभवांतर का मापक यंत्र कौन सा कहलाता है? वोल्टमीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। तो पादप में जल का उत्तरदायी जाइलम उत्तरदायी होता है तो जल के वहन के लिए। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की क्रिया कहलाती तो निषेचन कहलाती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है एक देशिक। ठीक है, यहाँ से अपन इसको देखते हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देखो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। जल एक क्या है? उदासीन ऑक्साइड है। धातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। यहाँ से अपन बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको ध्यान से देखो आप। विद्युत की सुचालक आधातु ग्रेफाइट है। रक्त का थक्का बनना जिसका जाएगा आपका प्लेटलेट्स। स्वपरागन द्विलिंगी पुष्पों में। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र का जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, लिंग निर्धारण के लिए। और ये मैंने भर दिया था कि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ये यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन। और ऑक्सीजन का योग होता है तो अपचयन है, लेकिन ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा तो वो उपचयन हो जाएगी। पारे की मिश्र धातु क्या है? अमल गम। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? घेंगा है। ठीक है, पराग कोष में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है परागण कहलाती है। ठीक है, अब लेंस की क्षमता के लिए सूत्र है, इसका मात्रक भी डायोप्टर है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से आ जाएगा ये अगला है आपका। बिल्कुल आप तो मिलान कर लो, आपको आता है या नहीं आता है इसी ये। ठीक है, सत्य सत्य है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, सत्य है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है तो सत्य रहेगा। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, ये अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। घरेलू परिपथ में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये असत्य रहेगा। लिटमस एक क्या है? प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सत्य है। यहाँ से ये सत्य रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है यहाँ पर। ठीक है भैया, ध्यान से देखो आप तो, है ना भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है ना, आप इसको इसके आपको देख लो, इसको जैसे इस यहाँ से देखो, इस जैसे स्टूल करोगे ये यहाँ पर। ठीक है भैया, अब तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ये, है ना, यहाँ पर फॉलो करके रख लेना है। आप तो बढ़िया सा भी इशारा समझ जाओ, है ना, सब बच्चे समझदार है वैसे। ठीक है भैया, फॉलो करके रख लेना। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? किसी पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। ध्वनिक और सोनोरस किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिएगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? निम्नलिखित संरचनाएं चित्रित कीजिए, एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देखकर समझ जाइएगा। पाचक एंजाइम के कार्य, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यहाँ पर क्रम कहाँ होता है? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। अनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको 100% श्योर देखने को मिलने वाले हैं। बढ़िया से अभी तक आपने तैयार नहीं किए तो तैयार कर लेना, है ना। ठीक है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण की में मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है।
परावर्तन के नियम आपको बताने हैं। यहाँ से देख सकते हैं ओम का नियम हो गया, इसके बाद में यहाँ पर है फ्लेमिंग का वामास्त का नियम बताना है, फ्यूज तार क्या है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी के प्रमुख घटक कौन कौन से, आहार जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर बिल्कुल श्योर आ रहा है 100%, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक संतुलित समीकरण का उदाहरण आपको देना है, या फिर ये प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन की विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए आपको समीकरण बताना है, प्रत्यावर्ती चाप का नामांकित चित्र हो गया है, तीन पादप हार्मोन्स के नाम और कार्य नहीं किए तो कर लो, अभी भी मौका है ना, अभी सॉल्यूशन दे रहा हूँ इन सबका, जो क्वेश्चन नहीं आते उनका आपको स्क्रीनशॉट लेना ना, बाकी तो याद है तो अच्छी बात है, वैसे हमारे बच्चे ने बिल्कुल मैंने पहले से तैयारी भी करा दी उनको, उनमें से पूरा पेपर आने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गए हैं, तो ये तो हो गया आपका पूरा पेपर। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं ना, अब यहाँ से देखिए प्रश्न को ध्यान से, तेल और वसा युक्त पदार्थ ठीक है नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किए जाते हैं, इसके बाद में इसको अथवा जाएगा यहाँ पर, ये किसी पदार्थ एक सिविलियन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो सॉल्यूशन देख सकते हैं आप ध्यान से, थोड़ा सा अपने इसको ऐसा कर देते हैं यहाँ से ना, ये आपको ध्यान से देखिएगा फटाफट, जो चीज़ें नहीं आती उनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनिक और सोनोरस किसे कहते हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, हो गया, विभिन्न संरचनाएं चित्रित कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये ब्रोमोपेंटेन हाइड्रोकार्बन क्या है उदाहरण देकर समझाइएगा, पाचक एंजाइमों के कार्य बताने हैं, हो गया इतना, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ से, हो गया इतना, आलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रबोधन का उपयोग किया जाता है, हो गया, अनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं, 10वां हो गया है, मेंडल का पृथक्करण का नियम समझाइएगा, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का की क्षमता ज्ञात कीजिए, हीरे का अपवर्तनांक इस कथन से क्या अभिप्राय है, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा देनी है आपको, परावर्तन के नियमों को बताना है, ये हो गया इतना, इसके बाद में यहाँ से चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइएगा, ओम का नियम समझाइए, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम आपको बताना है, फ्यूज तार क्या है इसका उपयोग, यहाँ से देखो फ्यूज तार ये ठीक है भैया, इसके बाद में आगे बढ़ते तो अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिएगा, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, हो गया ये, आहार जाल और आहार श्रृंखला में अंतर है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर मतलब ठीक है, इसके बाद में रासायनिक समीकरण क्यों किसे कहते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है, कोई सा भी लिख सकते हैं, C+O2CO2 ये पॉइंट लिखना वाले, C+O2CO2 वो भी संतुलित ही है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, समीकरण देना है, तो ये समीकरण हो जाएगा आपका एक C+O2 ये संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है, ये इस तरह से आपका चित्र रहेगा वैसे कंप्लीट कर लिया है हमारे बच्चों ने, तीन पादप हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य ठीक है, तो ऑक्सिन आ गया है, साइटोकाइनिन है, तीसरा है जिबेलिन, तारों का कार्य क्यों टिमटिमाते सचित्र वर्णन करना है, हो गया इतना, इसके बाद में यहाँ से अम्ल और क्षार में कोई चार अंतर बताना है, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग और प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग बताने हैं, धोने का सोडा ये विरंजक चूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस बेकिंग सोडा इनके तो उपयोग और सूत्र रासायनिक नाम याद करके ही जाइएगा,
आ रहे हैं इनमें से कोई से भी दो।